Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, पिछली क्लासेस में आपको मैंने एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स में से कंसेप्शन एंड कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंसेस पढ़ाया था. फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द इम्फैटिक एंड स्टेटमेंट्स. इम्फैटिक स्टेटमेंट्स मीन्स वैसे सेंटेंस जिसमें जोर देकर कुछ बोला जाता है, जोर देके कुछ कहा जाता है. मीन्स जोरदार कथन सूचक वाक्य. ठीक है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हम इम्फैटिक स्टेटमेंट्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, इम्फैटिक स्टेटमेंट्स मीन्स जोरदार कथन सूचक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसपे हम जोर देकर कुछ बोलते हैं. जोर देकर मीन्स बोलते हैं कि तुमने ही तो मेरी पेंसिल तोड़ी है, तुमने ही तो मेरी पेंसिल तोड़ी है. अगर हम ऐसा बोलते हैं कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी है, ये सिंपल हो गया, साधारण तरीके से हो गया, नॉर्मली हो गया. बट हम ज्यादा जोर दे के बोल रहे हैं कि तुमने ही तो मेरी पेंसिल तोड़ी है, मतलब और कोई दूसरा नहीं है, तुमने ही तोड़ी है. मैं ही तो था मीन्स जोर दिया जा रहा है इस पे. कि अगर मैं बोलूंगा मैं था, तो मैं था बिल्कुल नॉर्मली कह दिया जा रहा है. बट अगर ऐसा बोला जाता है कि मैं ही तो था, ये जोर दे के हम बोल रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, आइए सीखते हैं. मैं ही तो हूं मींस मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, राम ही तो था, वे लोग ही तो थे, सीता ही तो है, तुम्हारा भाई ही तो था. इस तरह का अगर जो भी सेंटेंस आएगा ना, उसमें हम इट लगाकर इट इज, इट वॉज, इट इज लगाकर हम बनाएंगे. देखिए, तो यहां पर लगाएंगे हम इट इज मी, मैं ही तो हूं, इट इज मी. ध्यान रहे कि इस तरह के सेंटेंसेस में, इसमें मैं ही तो हूं, तुम ही तो थे, राम ही तो था, इस तरह के सेंटेंसेस में हम इट के बाद आर या वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर इट आर मी, या जैसे यहां पर तुम है तो इट आर यू, ऐसा हम नहीं लिखेंगे कभी. इट के बाद हम इज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सब्जेक्ट में तुम हो, वह है, चाहे मैं हूं, चाहे वे लोग हो, कोई भी हो, वहां पर इट के बाद इज का ही इस्तेमाल करेंगे. तो इट इज मी, तुम ही तो थे. अब यहां पर हम टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे. यहां पर था, थे, थी है, इसलिए इट वॉज यू. राम ही तो था, इट वॉज राम. ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हो गए. अभी दूसरा तरह का सेंटेंस है, मैं ही तो यह किताब लिखा हूं, मीन्स मैंने ही तो यह किताब लिखी है. मीन्स कोई बोल रहा है क्या, तुमने लिखी क्या? हाँ यार, मैंने ही तो लिखी है. मीन्स जोर दे के हम बोल रहे हैं कि मैंने ही तो यह किताब लिखी है, मैंने ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, अरे मैंने ही तो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ा था, नहीं याद है तुम्हें? ये जोर देके जब हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाते हैं. मैं ही तो यह किताब लिखा हूं, इट इज आई, इट इज आई. ठीक है, उसके बाद हु हैव रिटन दिस बुक. सिंपल है फ्रेंड्स, यहां पर सिर्फ यही समझना है, मैं ही तो यह किताब लिखा हूं, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इट इज आई, मैं ही तो हूं जिसने यह किताब लिखी है. हु हैव रिटन दिस बुक. यहां पर याद रहे कि हु के बाद हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तुमने ही तो गाली दी है, तो इट इज यू, इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड. ठीक है फ्रेंड्स, इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड, तुमने ही तो गाली दी है. अगर यहां पर हम पास्ट में लिखते हैं कि तुमने ही तो गाली दी थी, तो इट वॉज यू, यहां पर सिर्फ इसकी जगह वॉज आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा. इट वॉज यू हु अब्यूज्ड या हु हैव अब्यूज्ड, जिसने, तुम ही तो थे जिसने गाली दी थी, यहां पर दी थी हो जाएगा, तो हु हैड अब्यूज्ड, या सिर्फ हु अब्यूज्ड भी लिखेंगे तो भी चलेगा. जैसे हमने तुमने ही तो गाली दी थी, तो इट वॉज यू
हु अब्यूज्ड या हु हैड अब्यूज्ड लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वह अंग्रेजी जानता तो है, वह अंग्रेजी जानता है, यह सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही है, बट सिंपल सेंटेंस है कि वह अंग्रेजी जानता है। आप भी जानते होंगे ही नोज इंग्लिश, बट आप भी जानते होंगे कि ही नोज इंग्लिश, बट जब इसमें बात जोर दे के बोली जाए कि वो अंग्रेजी जानता तो है, मिस जोर दे के बोल रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, इसमें डू डज का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो वहां पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी जानता तो है, तो ही डज नो इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा, ही डज नो इंग्लिश। ऐसा आप ये मत समझना है कि इतना बोलने की क्या जरूरत है, माथापच्ची करने की क्या जरूरत है, सीधा हम बोल देंगे ही नोज इंग्लिश, वो अंग्रेजी जानता है। नहीं फ्रेंड्स, हम हिंदी में बात करते हैं ना, तो हिंदी में क्यों माथापच्ची करते हैं, इतना हम हिंदी में क्यों बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं कि वो जानता तो है, वो खाता तो है, वो पीता तो है, ऐसा हम बोलते हैं, फिर इंग्लिश में क्यों नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा बोला जाता है और काफी लोग यूज करते हैं इसको, इसलिए आप भी यूज करो, बोलो, कोई कठिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं। वह मुझसे मिला तो था, मिला तो था, तो ही डिड मीट मी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें बताया तो था, मैंने तुम्हें बताया तो था, जोर देके बोल रहे हैं, तो आई डिड टेल यू, आई डिड टेल यू। इस तरह के जितने भी सेंटेंस हो गए कि मैंने तुम्हें दिया तो था, आई डिड गिव यू, मैंने तुम्हें देखा तो था, आई डिड सी यू, आई डिड सी यू। ठीक है फ्रेंड्स, उसने तुम्हें बुक दी तो थी, ही डिड गिव यू बुक। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे दिए तो थे, योर फादर डिड गिव यू मनी। वह मुझे जानता तो है, मिस अगर बोलते हैं कि वो तुम्हें जानता है क्या, हाँ वो मुझे जानता तो है, मिस जोर देकर बोल रहे हैं, ही डज नो मी। वह चाय पीता तो है, ही डज टेक टी। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। सिंपल सेंटेंस, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स, जोरदार कथन सूचक, इससे और भी मैं वीडियो बनेंगे आगे, हम आपको इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स, जोरदार कथन सूचक सेंटेंसेस, इस पर और भी वीडियो बनेगा आगे, तो आप देखना, लेकिन इसको आप समझ लो, एक वीडियो में इतना बहुत है, अगर आप इतना समझते जाते हो रोज तो आपके लिए बहुत है। एक दिन में आप आधा घंटा एक घंटा आपको 8-10 टॉपिक बता दूं और उसमें वीडियो बंद करते ही सीधा ऐसा हो जाता है, पानी पे खींचे हुए रेत के बराबर हो जाता है, पानी पे खींचे हुए रेखा के बराबर हो जाता है, एक तरफ से रेखा खींचा और दूसरी तरफ से मिटती चली गई, तो जैसे ही आपने वीडियो बंद किया बस स्वाहा। इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक आप सीखते जाओ और उसको इस्तेमाल करते जाओ, आप यकीनन इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।